वाश कर दो। ओए होए होए दानियाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे का स्टार्ट करते हैं, अलग करे सबका दिन अच्छा गुजरे। तो अभी जो है वो मैं उठ चुकी हूँ, बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह उठ चुके हैं और नाश्ते की तैयारी करते हैं। आटा जो है वो मैंने गूंथ के ना अभी फ्रिज में रख दिया, अभी जो है पराठे बनाऊंगी और फिर हम नाश्ता कर लेंगे। चाय जो है वो मैं जल्दी जल्दी बना के पी चुकी हूँ क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो साथ में थोड़ा सा हलवा ले लिया क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट चाय ना फिर अच्छी नहीं लगती ना, तो साथ में जो है वो मैंने थोड़ा सा बादाम पाक ले लिया था और चाय पी ली है। तो अभी जो है वो कुछ बेहतर हूँ मैं क्योंकि आटा मैं रात को गूंदना भूल गई थी, तो फिर सुबह मैंने अब गूंद के ना रख दिया है और वो एक घंटा तक अंदर फ्रिज में रहेगा ना, तो उसके बाद फिर पराठे फटेंगे नहीं और हम जो है वो अपने दिन का स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो हमारी चाय का टाइम हो चुका है और चाय के साथ सर्दियों में हलवा ना हो और पीनट्स ना हो तो चाय जो है वो अधूरी अधूरी सी लगती है। तो यहाँ पे जो है वो अब हम चाय पी लेंगे। अम्मी आ गई थी। अच्छा जी, अभी जो है वो हम लोग बाहर गए हुए थे, आ चुकी हूँ तो हम लोग खाना लेके आए हैं। अभी हम खाना खा लेंगे और फिर मिलते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये मैंने भाई के लिए चिप्स बनाई और किचन का हाल मैंने सारा बुरा कर दिया। Wait a minute, who are you? और भाई काफी दिन से बोल रहे थे कि चिप्स बनाओ चिप्स बनाओ, तो आज मैंने सोचा कि चिप्स बना के भाई को देती हूँ। क्या माल है यार। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो मेरे हस्बैंड पकौड़े बना रहे थे और मैंने जो है वो थोड़ा से चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब उसको फ्राई कर लूँ। तो मैंने मैदे के अंदर सबसे पहले जो है वो नमक ऐड कर दिया और उसको मिक्स कर दिया अच्छे से, क्योंकि ऊपर जो कोटिंग होती है ना, अगर वो नमक के बगैर हो ना तो फिर अंदर वाला मसाला भी ऐसे फीका फीका से लगने लग जाता है। तो यहाँ पर मैं मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसमें ना मिक्स करके उसमें थोड़ा सा नमक और आप चाहें तो काली मिर्च भी जो है वो मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो सिर्फ इसमें नमक मिक्स किया है और इसको अच्छे से जो है वो कोटिंग कर लूँगी। आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसे हल्का सा एक बार मैदे से करके ना अच्छे तरीके से कोटिंग और दबा दबा के,
जैसे रेस्टोरेंट वाले दबा दबा के मैदा लगाते हैं ना, इस तरीके से हमें एक बार पानी में डालना है और उसके बाद जो है वो उसको निकाल के दोबारा कोट करके और फिर जो है वो आप लोगों ने फ्राई करना है। तो इस तरीके से बिल्कुल ऐसे रेस्टोरेंट की तरह के KFC स्टाइल आपके ना विंग्स बहुत मज़े के बनेंगे। विंग्स तो नहीं है मेरे पास, जो है वो ये लेग पोर्शन वाला पार्ट पड़ा था, तो चेस्ट जो है वो मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, तो ये मैं बच्चों के लिए अक्सर बना लेती होती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी इस तरह की फ्राइड चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और वैसे भी आज जो है वो दाल बनी हुई थी, अम्मी ने दाल बनाई थी, तो मेरे हस्बैंड को दाल बिल्कुल नहीं पसंद, वो बिल्कुल भी नहीं खाते, और इसलिए जो है वो मैं ये फ्रिज में कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करके रखती हूँ कि अगर दाल बने तो कोई साइड डिश मौजूद हो जो कि हम खा सकें। और यहाँ पे जो है वो सारे मैं कोटिंग करके ना तो इसको फ्राई करने के लिए रख दूँगी। इसको आपने हल्की आँच पर फ्राई करना है टिल गोल्डन, यानी कि गोल्डन होने तक आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। और अगर तेज़ आँच पे करेंगे तो बाहर से मैदा जो है वो पक जाएगा और अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे। वैसे मेरा तरीका ये है कि मैं इसको हल्का सा स्टीम करके ना फिर वो करती, लेकिन फिर अचानक से बनाना पड़ गया, मैंने सोचा कि ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ, वैसे हो गया था, अंदर तक कुक हो गया था। और अगर आप स्टीम करके करें तो वो तो फिर ज़्यादा जूसी बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी कोटिंग में अंडा और ब्रेड क्रम शामिल करें, वो भी मैं आप लोगों को उस तरह के विंग्स भी बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। वो भी मैं सोच रही हूँ कि एक दो दिन में उसको भी मैरिनेशन करके रख दूँगी और वो भी फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है वो ये इस तरीके से हल्की आँच पर गोल्डन होते रहेंगे और मैं इनको पलटती रहूँगी, इनकी साइड चेंज हो जाएगी ताकि दोनों साइडों से जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएं। तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं, या आप गार्लिक केचप के साथ और मायोनीज के साथ खाएं तो आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे कि KFC स्टाइल नहीं होते जो आपको चिकन मिलता है पॉपकॉर्न, बिल्कुल सेम उसी मेथड से मैंने बनाए थे। ओके जी, रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट एक मिनट, हाँ रात के बज रहे हैं 11:15 और हम आ गए हैं ये ब्रोस्ट टेस्ट करने, क्योंकि भूख लगी हुई थी, भाई को ज़रा क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलो जहाँ के ना अपना फेवरेट जो है ना ब्रोस्ट वाला टेस्ट करके आते हैं। अभी हमने नगेट्स खाए थे यार, लेकिन क्या करें, बस थोड़ी सी भूख महसूस हुई तो हम बाहर निकल आए हैं। और आई थिंक कि मुझे जो है ना मलाइका के लिए भी लेके जाना पड़ेगा, और हम खा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा मुझे तो टेस्टी लग रहा है, मैंने अभी तक शुरू नहीं किया, मैं अभी शुरू करता हूँ, बल्कि अभी शुरू करता हूँ। लो जी गौरी आ गया जे, और मुझे ना ये यार गर्म बहुत है, बहुत है, मेरी उंगलियाँ जो है ना वैसे जलने वाली हो गई हैं, लेकिन क्या करें यार, शॉर्ट बनाना ना तो उंगलियाँ जल जाएँ बनता है, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और ये जो है ना अभी बताता हूँ आपको कैसा है, और ये आ हा हा वाह 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 मज़ा आ गया कसम से। ये कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गई हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी अभी इंजॉय करते हैं। भाई अभी क्लियर हो जाओ, ओके। और हाँ ये जो अचार है ना यार, ये अचार बहुत टेस्टी है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ओके जी, मलाइका के लिए भी हम ले आए हैं, क्योंकि मलाइका को भी वैसे उसको ये चीज़ें नहीं है पसंद, वो ज़्यादातर खाती है जिंगर बर्गर, बहुत ज़्यादा लाइक करती है, और मुझे उस किस्म के फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई लाइक दीज काइंड ऑफ फूड, मुझे ये अतिके बारबेक्यू ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और ये यार चीज़ें ही यही हैं। और ये बस अभी इकरा जो है ना इसको ओपन करके फिर मैं मलाइका के लिए ले जाता हूँ,
और काफी ज्यादा टेस्टी था, और यकीन करें मैं भी खा गया हूँ, लेकिन अभी भी अभी भी अभी भी मुझे भूख लग रही है इसको देख हाँ, ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जी नाउ आई एम एट होम और काफी ज्यादा लेट हो गए हैं, और मुझे वीडियो को एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है, तो आई थिंक मुझे इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। तो आपसे मिलते हैं कल। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक दिस वीडियो एंड एक अच्छे से कमेंट कर दें। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला।